हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी जीके की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम हिमाचल जीके के ऐसे वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार आए हुए हैं। रिपीटेटिव सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशहूर हिंदी लेखक निर्मल वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? शिमला। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया ये। मशहूर हिंदी लेखक निर्मल वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? शिमला। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा को किस साल साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया? 2005 में। भारत में पहला पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित हुआ हिमाचल प्रदेश। शिमला का उपनाम क्या है? पहाड़ियों की रानी। हिमाचल में मंडी रियासत के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर सेन। हिमाचल में मंडी रियासत के संस्थापक कौन थे? वीर सेन। किस ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने राष्ट्रपति निवास शिमला का डिज़ाइन बनाया? इस ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने राष्ट्रपति निवास शिमला का डिज़ाइन बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी इरविन ने। हेनरी इरविन ने। भारत के कितने राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूते हैं? भारत के कितने राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? चार। नेक्स्ट, किसने हिमाचल प्रदेश का नाम रखा था? आचार्य दिवाकर दत्त ने। आचार्य दिवाकर दत्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा था? आचार्य दिवाकर दत्त। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 12। कितने टोटल, कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे पास? 12। नालदेहरा गोल्फ क्लब किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, नालदेहरा। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। नेक्स्ट, रावी नदी के वैदिक नाम क्या है? परुषणी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुषणी। कभी कई बार पूछा गया ये परुषणी। सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सतुद्री। सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सतुद्री। नेक्स्ट, कौन सा पास यानी जो दर्रा होता है, कौन सा पास मंडी को कुल्लू से अलग करता है? नाम है दुलाची पास। किसके लिए? कौन सा पास मंडी और कुल्लू को अलग करता है? मंडी और कुल्लू को दुलाची पास। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? लक्षणा देवी टेम्पल। कौन सा है? लक्षणा देवी टेम्पल। पुजोथा आंदोलन किसने शुरू किया था? किसान सभा। पुजोथा आंदोलन किसने शुरू किया था? किसान सभा ने। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? अंद्रेटा में। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? अंद्रेटा में। कुल्लू अंग्रेजों के प्रभुत्व में कब आया? 1846 में। कुल्लू अंग्रेजों के प्रभुत्व में कब आया? 1846 में। कुफरी हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्थित है? शिमला। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कौन सा नेशनल हाईवे शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NH22। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? कांगड़ा। शेरशाह सूरी ने राज्य के किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? कांगड़ा। शेरशाह सूरी ने राज्य के किस स्थान पर विजय प्राप्त की? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्माण दिवस कब माना जाता है? 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश का राज्य निर्माण दिवस कब माना जाता है? 25 जनवरी। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1971। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला। क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? रेयू पुरगिल। क्या नाम है? रेयू पुरगिल। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 68। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कालका शिमला रेलवे लाइन किस वर्ष बनी थी? 1906। कब बनी थी? 1906 में। वाइसरल गिल लॉज किसके शासन में समय बना? लॉर्ड डफरिन। वाइसरल गिल लॉज किसके शासन में बना था? लॉर्ड डफरिन ने। शिमला की सबसे ऊंचाई पर स्थित जगह कौन सी है? जाखू हिल। शिमला की सबसे ऊंचाई पर स्थित जगह कौन सी है? जाखू हिल। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का जन्म भारतीय के शहर में हुआ था? शिमला। कालाशीर्ष वन्य जीवन अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? चंबा। कालाशीर्ष वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर है? चंबा। हिमाचल प्रदेश के जसवान राज्य के संस्थापक कौन थे? पूर्वचंद। हिमाचल प्रदेश के जसवान राज्य के संस्थापक पूर्वचंद। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बौद्ध धर्म किसने पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको तो इंपॉर्टेंट आप लगा के रखना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बौद्ध धर्म किसने पेश किया था? सेज
पद्म संभव ने कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन थे? बिहंगमनी पाल। कौन थे? बिहंगमनी पाल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन थे? बिहंगमनी पाल। बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ कब विलय हुआ? 1954 में। बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ कब विलय हुआ? 1954 में। शिमला जाने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एम अस्ट। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बहुवली। ये एक्चुअली कुफरी और बहुवली दो हैं जो शिमला में है, लेकिन स्टार्ट सबसे पहले बहुवली जगह पर हुआ था, उसके बाद कुफरी। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अटैच है? किन्नौर। हिमाचल प्रदेश में रितेश राज्य के संस्थापक कौन थे? राय सिंह। हिमाचल प्रदेश में रितेश राज्य के संस्थापक कौन थे? राय सिंह। कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का पहला गवर्नर कौन था? एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश का पहला गवर्नर कौन था? एस चक्रवर्ती। ब्रह्मपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? मेरुवर्मन। ब्रह्मपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? मेरुवर्मन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। खीर गंगा गर्म पानी का झरना किस जिले में है? कुल्लू। खीर गंगा गर्म पानी का झरना कुल्लू में। चंद्रनाहन झील हिमाचल किस राज्य में स्थित है? शिमला। चंद्रनाहन झील शिमला में और खीर गंगा गर्म पानी का झरना कुल्लू में। किसे पहाड़ी गांधी कहा जाता है? बाबा काशीराम। किसे पहाड़ी गांधी कहा जाता है? बाबा काशीराम। किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? ताबो। किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? ताबो। हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी किसे कहते हैं? मंडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमालय पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। हिमालय पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शिमला। कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? सुशर्मा चंद। ये भी बहुत बार पूछा गया है तो इसे अच्छे से याद रखें, सुशर्मा चंद। हिमाचल देश का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र किस जिले में स्थित है? बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। नेशनल बायोलॉजिकल लेबॉरेटरी हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है? पालमपुर। नेशनल बायोलॉजिकल लेबॉरेटरी हिमाचल के किस प्रदेश में स्थित है? पालमपुर। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। तो ये हमने इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन किए, तो इसको बार बार आप ध्यान से देखें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।